नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पेपरलेस सिस्टम हुआ स्थगित, डीड राइटर खुश। भविष्य में ऐसा सिस्टम लागू करने से पहले होगा सलाह मशवरा। 3 दिन चली थी हड़ताल। 1 जनवरी से रजिस्ट्रार ऑफिस में सभी कार्य पेपरलेस कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी परेशानी आई थी। डीड राइटर व कई कर्मचारी हड़ताल पे भी गए थे, लेकिन इसके बाद आगे बात करी, जिसके बाद सिस्टम को स्थगित कर दिया गया। भविष्य में इस तरह का सिस्टम कोई लागू होता है तो उससे पहले कर्मचारियों से सबसे सलाह मशवरा किया जाएगा। यह हड़ताल 3 दिन तक चली थी। आज हमारी 3 दिन से जो हड़ताल चल रही है उसके बारे में माननीय निरीक्षक महोदया से हमारी स्वार्थ फूड वातावरण में वार्ता हुई, जिसमें जिस पेपरलेस प्रक्रिया को लेकर हड़ताल की गई थी उस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मैडम से हमको पूरा आश्वासन मिला और भविष्य में भी इसको अगर लागू की जाती है तो उसमें नीति पत्र लेखक, मुद्रांक विक्रेता और पब्लिक के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए कोई नया तरीका अपनाते हुए उसको लागू की जाएगी। और इससे लागू किए जाने से पहले हम लोगों से सलाह मशवरा और बताया जाएगा, उसके बाद लागू की जाएगी। और दूसरा, हमारा एक और मांग थी कि मुद्रांक विक्रेताओं की लिमिट बढ़ाने की या मानदेय की, इसकी भी थी, उसके लिए भी मैडम ने हमको पूरा आश्वासन दिया, इसके लिए हम मैडम के बड़े आभारी। लाइसेंस भी रद्द कर रहे थे, उस पर क्या था? उसके लिए मैडम ने हमको पूरा आश्वस्त कर दिया कि भी किसी की साथ किसी भी प्रकार की दुर्भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसा किसी का कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जाएगा। और भविष्य में आप लोग हमारे को भी एक बताया कि भाई भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत नहीं। कितने दिन चले थे हड़ताल? 3 दिन। आपका नाम? गिरधारी लाल गुर्जर, नीति पत्र लेखक। ट्रैफिक पुलिस को लेकर मिराज मॉल पर हुआ जोरदार हंगामा। सौरभ बजाज और उनके साथियों ने किया ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, भीड़ का लगा भारी जमावड़ा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक के बाद एक की जा रही कार्रवाई से परेशान होने के बाद आज मिराज मॉल पर जमकर हंगामा हुआ। सौरभ बजाज और उनके साथियों ने मिलकर जोरदार नारेबाजी करी, सड़कों पर लेट लेट कर प्रदर्शन किया। ट्रैफिक पुलिस चोर है, जोर जोर से नारेबाजी करी। बजाज ने कहा कि सभी ट्रैफिक पुलिस पैसे खाती है, ऐसे माहौल देखकर मिराज मॉल पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन अब भी जारी है। लड़के लिया अखाड़े से, अरे सारे लड़के चार छोरे बोलो, जितने अखाड़े के आर बाहर जितने 200-300 लड़के सब लिया। नीलम चौधरी एडिशनल एसपी ने आज बिना वजह कार्रवाई की है। वैसे वो रोज पैसे लेती है और उनके सारे सिपाही ये खड़े हैं, ये भी पैसे लेते हैं, सारे सिपाही पैसे लेते हैं, सब चोर है। सौरभ बजाज चोर नहीं था, चरित्रवान है, रणनीति नहीं करता है, लेकिन इस अजमेर के लिए मरता है। और मेरी आज ऐसी तैसी करने के लिए एसपी राजेश सिंह ने एक साजिश के तहत यहाँ पुलिस भेजी है मिराज मॉल की ऐसी तैसी करने के लिए। इनका नाम नोट करो, हाँ इनका करो, नीलम चौधरी एडिशनल एसपी को भेजा है ट्रैफिक वाली को। हमारी ऐसी तैसी बीजेपी, नीलम चौधरी चौकी वो बीजेपी की मानसिकता की है। आपका सुनो, रामचंद्र जी की मानसिकता है, एएसआई रामचंद्र जी नहीं सब इंस्पेक्टर, और सौरभ बजाज की, क्योंकि सौरभ बजाज बॉल संभालता है, एएसआई रामचंद्र, इसलिए सौरभ बजाज की आज वहाँ फैंड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस आई है। रामचंद्र जी आए पैसे खाते, रोज पैसे खाते हैं सिपाही के, तब से खाते थे आज तक खाते हैं, आज खाते हो माँ सावित्रीबाई फुले की 88वीं जयंती पर गढ़वाल पैलेस में आयोजित हुआ कार्यक्रम। माँ सावित्रीबाई फुले संस्था ने आयोजित किया कार्यक्रम, फुले की रंगारंग प्रस्तुति। माँ सावित्रीबाई फुले संस्था द्वारा आज माँ सावित्रीबाई फुले की 188वीं जयंती पर गढ़वाल पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्था की सभी महिलाएं उपस्थित हुई। महिलाओं के बीच रस्सी खींच, चेयर रेस, चम्मच रेस जैसी कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि माँ सावित्रीबाई फुले देश की वह प्रथम महिला है जिसने शिक्षा में इतनी बढ़त हासिल करी। ऐसी महिला से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सभी अजमेर वासियों को माँ सावित्रीबाई फुले की 128वीं जयंती की बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जिस माँ नायिका का आज हम जन्मदिन गढ़वाल पैलेस में हमने जिस हर्षोल्लास के साथ, जिस जोश के साथ में हमने मनाया, उस माँ नायिका से प्रेरणा सभी समाजों को मिलेगी, क्योंकि वो देश की प्रथम महिला थी जो शिक्षिका के रूप में उभर के सामने आई और उनके पीछे उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनका साथ पूरी तरीके से निभाया, तब वो महिलाओं का
नेतृत्व कर पाई और आज हमारा आदर्श बन पाई। तो आज हमने ये 188वीं जयंती गढ़वाल पैलेस में महिलाओं के काफ़ी रंगारंग प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, रस्साकसी, काफ़ी आयोजन हुआ प्रोग्राम का और बच्चों की, बालिकाओं की काफ़ी प्रतियोगिताएं रही। इसमें हमने निर्धन बालिकाओं को भी चिन्हित किया जिन्हें हम शैक्षिक संरक्षण दे सकें और समाज में बालिकाओं की भागीदारी को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज़ादी से पूर्व जब हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति होगी, उस स्थिति के अंदर हमारी महानायिका ने महिलाओं को जो एक नेतृत्व दिया है वो वास्तव में नमन, सादर नमन हम उनको करते हैं। और महिलाओं की प्रेरणा स्रोत महानायिका को आज हम उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी श्रीमती हेमा गहलोत, कार्यक्रम की हमारी समिति की जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती मधु सैनी जी, और चीफ गेस्ट हमारी मुख्य अतिथि जो है वो श्रीमती अंजलि जी राजौरिया जो कि उपखंड अधिकारी IAS हैं। हमने ये पूरा मंच भी महिलाओं का रखा है और सारी भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं ने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इवन निमंत्रण महिलाओं का, मेनू महिलाओं का और खाने की व्यवस्था सब महिलाओं द्वारा की गई और महिलाओं ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भागीदारी ली है। हमें आज इतनी खुशी है कि महिलाएं जो आज घर से निकल के बाहर आई है और जिस हर्षोल्लास के साथ आई है, हम पूरे समाज को संदेश देना चाहेंगे कि आप महिलाओं को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका दें। जय भारत। मेरा नाम शारदा मालाकार है, मैं इस कार्यक्रम की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई बैठक, महिला बाल विभाग की उपनिदेशक अनुपमा टेलर भी उपस्थित, अन्य विभाग के भी बैठक में हुए शामिल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निगम चिकित्सा विभाग, जिला परिषद सहित महिला विभाग की उपनिदेशक अनुपमा टेलर भी शामिल हुई। इस बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी, साथ ही सोमवार को बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम जनरल अस्पताल में किया जाएगा। कई रथ भी रवाना किए जाएंगे जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जागरूक किया जाएगा। अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हुई है और जिसके तहत महिला बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, नगर निगम, जिला परिषद के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। और माह जनवरी से ही हम प्रथम वीक से ही अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की प्लान और योजनाएँ शुरू करेंगे, जिसके तहत एक एक्शन टास्क फोर्स का आज गठन हुआ है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो को, इसमें गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और जिन जिन जगह पे बालिकाओं ने जन्म लिया है तो बेटी जन्मोत्सव हम मनाएंगे। इसके साथ ही ऐसी माएँ जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है और उनको भी हम प्रोत्साहित करने के लिए उनका भी सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। और इसके लिए बेटियों की शिक्षा दीक्षा और उनके जन्म को लेकर अगर समाज में किसी प्रकार की भ्रांति है तो इसके लिए हम जागरूकता रथ के माध्यम से पूरे ज़िले में ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियां जो है वो एक अनमोल धरोहर है समाज की और बेटियों के बिना ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। कब तक शुरू होगा ये? हम जनवरी के प्रथम वीक यानी कि सोमवार से ये गतिविधियाँ शुरू करेंगे, जिसमें बेटी जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम है वो प्रथम जिला स्तर का हम जनाना हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं। 32 साल बाद मकान मालिक को मिला अपना घर, सुंदर विलास के एक मकान में हुई कुर्की की कार्रवाई। सुंदर विलास के एक मकान में आज कुर्की कार्रवाई की गई। मकान मालिक के ही रिश्तेदार इस घर में रह रहे थे। मकान मालिक ने उन्हें प्रेम पूर्वक रहने दिया लेकिन अंत में उन्होंने दगाबाजी कर दी। मकान मालिक के घर में रहने वालों ने कोर्ट में केस भी किया और जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगहों से वह केस हार गए। और आज 32 साल बाद मकान मालिक को उनका घर मिला और इस मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। पुश्तैनी पूर्वजों का मकान था जो मेरे स्वर्गीय फादर श्री वंशीलाजी शर्मा को उनके पिताजी से मिला था। कुछ बदनीयती से कुछ लोग इसमें रह रहे थे, उनको उन्होंने प्रेम पूर्वक रहने दिया मगर उन्होंने उनके साथ दगाबाजी करी। अल्टीमेटली कोर्ट में केस चला, वो हमारे खिलाफ विरोध केस में कोर्ट में गए, उनकी केस में वो हार गए। दोनों जगह डिस्ट्रिक्ट जिला सत्र न्यायालय में हार गए, उच्च न्यायालय में हार गए। उसके पश्चात उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए जबरन ताला तोड़ा गया, पुलिस की मौजूदगी में मैंने कब्जा प्राप्त किया। किनको दिया था ये? हैं? किनको दिया था ये? मेरे फादर के भतीजे को दे रहा हूँ। बाबूलाल शर्मा। कितने साल ये मुकदमा चला? 32 साल। आपका नाम? NK शर्मा।
पुष्कर के फार्म हाउस में हुई चोरी, लेकिन पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट का भीमसेना ने। भीमसेना एसपी के पास पहुंची ज्ञापन देने। फार्म हाउस के चौकीदार के साथ भी हुई थी मारपीट। 26 दिसंबर को पुष्कर के एक फार्म हाउस में दो चोर पहुंचे। चोरों ने चौकीदार को देखते उसे सरिया लाठी से भून डाला और बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। और चौकीदार चैनाराम पूरी रात जख्मी पड़ा रहा। सुबह फार्म हाउस वाले जब पहुंचे तो चैनाराम को अस्पताल ले जाया गया और उसे जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के दो दिन बाद ही उस फार्म हाउस पे फिर चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट जब पुलिस के पास लेकर पहुंचे तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इसलिए आज भीमसेना पुलिस कप्तान के पास ज्ञापन देने पहुंची। क्या मामला है सर? हम पुष्कर से आए। 26 तारीख की रात को हमारे फार्म हाउस में चैनाराम जाट नाम का व्यक्ति चौकीदारी का काम करता है, उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुई थी। दो आदमी साय और समुंदर अपने 7-8 दोस्तों के साथ फार्म के अंदर आए थे चोरी की मंशा लेके, लेकिन आदमी को वहाँ पाया देखकर उसको बहुत बुरी तरह लकड़ी और डंडों से सरियों से मारा गया। वो जख्मी हो गया, पूरी रात बेहोश था। अगली सुबह 27 तारीख को जब हम फार्म गए, आदमी को पुष्कर थाने में लेके गए, तो थाने वालों ने मेडिकल इनका करवाया। हमने वहाँ 27 तारीख को सुबह 10 बजे थाने में रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनको अजमेर जेल में रेफर कर दिया गया। पुलिस वालों ने कोई सूचना नहीं ली। उसके बाद दो दिन बाद जब हम फार्म हाउस में गए तो फार्म हाउस में हमारे चोरी हो चुकी थी। हम चोरी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने में गए तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से सख्त मना कर दिया। तो इसी तरह अगर ये हमारे पुष्कर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो किसी के साथ भी अत्याचार होता रहेगा, कोई भी मार खाता रहेगा, चोरियाँ होती रहेगी। हम उन्हें जाके बोलते हैं तो वो टाल देते हैं कि आपकी रिपोर्ट इनके पास है, लेकिन हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम आज एचपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमें कार्रवाई दी जाए। और अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं पुष्कर वाले तो मैं भीमसेना जिला उपाध्यक्ष से कहता हूँ कि भीमसेना सड़कों पर उतरेगी न्याय लेने के लिए। अजमेर जिला भीमसेना डूंगरमल पड़ियार। प्रेमी युगल को मिली जान से मारने की धमकी, लड़की के घर वाले रिश्ते से नाखुश। प्रेमी युगल ने पुलिस कप्तान के पास लगाई सुरक्षा की गुहार। बिहारीगंज निवासी प्रीति गैना ने इतेश शर्मा नामक युवक के साथ बिना किसी दबाव में प्रेम विवाह किया। इतेश शर्मा के घर वालों को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते से नाखुश है। इस मामले को लेकर प्रीति गैना का और उनके पति इतेश का कहना है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कल भी अलवरगेट थाना पुलिस ने सिक्योरिटी दी थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षा मिल सके इसलिए आज दोनों पति पत्नी पुलिस कप्तान के पास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे। अब कल हम लोग वापस राजीव जी घर गए, इनके परिवार ने हाँ ठीक है आ जाओ आप लोग, हम लोग सब नॉर्मल कर देंगे। इनके परिवार ने कल वहाँ घर पे आते हमारे हमारे घर वालों ने तो मेरे घर वालों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ राजीव जी मान गए। अब इनके जो परिवार वाले हैं वो उनके साथ कल दुराचार करने लगे घर पे हमारे। किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं? धमकियाँ दे रहे हैं कि आप लोग कहीं नहीं रहेंगे, क्या होगा, जो देखेंगे। इनके चाचा की धमकी दे रहे हैं। आज इनके पापा आएंगे, तो इनके पापा भी इसमें आर्मी में, वो आ जाएंगे। अब उनका डर है वो क्या करेंगे हम लोग के साथ, क्या नहीं पता नहीं। तो पुलिस से क्या सुरक्षा की मांग करनी? सुरक्षा तो मांग की है सर हमने, कल रात को सुरक्षा दी थी पुलिस ने, अलवर थाने ना मांगे, इन लोगों के परिवार को घर से बाहर निकाला हमने। आज हम चाहते हैं कि हमारे को कोई भी आगे दिक्कत नहीं हो, कि हमारे घर में रोकी का है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हमें डर है कि बोलते हैं आगे दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम लोग यहाँ आए कि कल रात को भी इनके परिवार वाले हाथापाई करने लगे, इनको घसीटने लग गया। बोल रहे हम लेके जाएंगे, हम हमारी बेटी हम कैसे भी लेके जाएंगे इसको यहाँ से। नाम बताइए आपका? मेरा नाम इतेश शर्मा। किस तरह से आपके घर वाले धमकी दे रहे हैं? सर कल हम लोग जो वापस घर पे आए थे शादी करने के बाद, हम उनके सामने पेश हो गए थे, लोगों ने बता दिया था कि हम लोग शादी कर चुके हैं किशनगढ़ थाने में। फिर उन्होंने थोड़ा सा बोला कि ठीक है आप आ जाओ घर पे, हम लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। मेरी फैमिली ने पहले मुझे ये बोला, जब हम लोग घर पे गए तो वो लोग पलट रहे थे उस चीज़ से, वो लोग धमकाने लग गए कि नहीं आप चलो, हम चाचा को बोल देंगे, ये कर देंगे, हम केस लगा देंगे। हम इनकी फैमिली को वो लोग ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कर रहे थे। तो हम लोग अभी यहाँ पर इसीलिए आए ताकि हमारे को सिक्योरिटी मिल जाए, आगे कुछ परेशानी ना हो हमारी। अभी कौन कौन परेशान कर रहा है आपके घर वालों में? सर कल तो मेरी मम्मा और मेरे मामा और मेरा भैया आया था घर पे, तो वो लोग परेशान कर रहे थे, वो बोल रहे थे। और कल हाथापाई भी हो गई थी, तो कल हम लोगों ने अलवरगेट थाने से भी वहाँ पे कंप्लेन कर दी, तो वो लोग आए थे और उन्होंने ही घर से उनको निकाला था। उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि मतलब वो इनके साथ मुझे नहीं रहने देंगे और मैं इनके साथ इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। किस तरह से मुलाकात हुई थी आप लोगों? सर हम लोग फ्रेंड सर्कल में थे और उसी तरह से हमारे जान पहचान हुई और हमें 2 साल हो गए एक दूसरे के साथ। तो 2 साल में घर वालों को बताया क्या? बताया था 1.5 महीने पहले उनको, लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए थे क्योंकि हम दोनों
कास्ट नहीं है, हम दोनों अलग अलग कास्ट के। कौन सी कास्ट के? मैं जाट हूँ और ये पंडित। तो अब क्या प्रॉब्लम है घर वाले आपके? पापा? हाँ पापा आज आ जाएंगे क्योंकि वो बाहर रहते हैं, तो वो आज अगर आ जाते हैं तो वो भी केस करेंगे, वो भी फिर बाद में फैमिली को नुकसान पहुँचाने की करेंगे। आप दोनों संग रहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। और मैं अपनी फैमिली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वापस फैमिली के पास जाऊँ, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। नाम बताइए। प्रीति। स्वाइन फ्लू को लेकर चिकित्सा विभाग की आयोजित हुई बैठक, चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैद। मौसम के बदलते अजमेर में भी स्वाइन फ्लू के कई मरीज बढ़ गए हैं। इसको लेकर आज सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को निर्देश पारित किए गए। जैसे ओबीडी में कोई मरीज आता है इस बीमारी से जुड़ा हुआ, तो उसकी स्क्रीनिंग की जाए। डोर टू डोर होने वाले सर्वे में भी स्क्रीनिंग की जाएगी। चिकित्सा विभाग इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मौसमी बीमारियों के मद्देनजर अभी जो कुछ स्वाइन फ्लू केसेज आने लगे हैं, इसके रेफरेंस में अंदर आज हमने शहर के डिस्पेंसरी चिकित्सकों की एक बैठक बुलाई है, जिसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं उसकी अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए। साथ ही जो हमारी एनएम्स और जो फील्ड स्टाफ आशा सहयोगिनी है, वो डोर टू डोर जो सर्वे पर जाती है, तो वो भी अब पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करके जो भी नियरेस्ट चिकित्सालय उसके अंदर उनको पेशेंट्स को मोटिवेट करें और पूरा स्क्रीनिंग का ध्यान रखें। और जो भी केसेज अगर आ रहे हैं पॉजिटिव या सस्पेक्टेड, उनके यहाँ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं शेड्यूल वो पूरी कराई जाए। और हमारे पास टेमीफ्लू वगैरह दवाइयाँ प्रात मात्रा उपलब्ध हैं, इसकी भी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही इन चिकित्सकों को इस दौरान किसी प्रकार कोई अवकाश देने होगा। नरेगा को लेकर आज कलेक्टर सभागार में नरेगा अधिकारी और जिला परिषद अधिकारियों की हुई बैठक। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को समय पर पेमेंट करने के दिए निर्देश। अजमेर के नवनियुक्त कलेक्टर विष्णुमोहन शर्मा ने जब से कुर्सी संभाली है तब से कई विभागों के वे निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नरेगा का निरीक्षण किया और उसमें जो उन्हें कमियां नजर आई उसको लेकर आज कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की, जिसमें जिला परिषद के अधिकारी और नरेगा के अधिकारी उपस्थित हुए। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को समस्याएं समझाए और इनका हल करने के निर्देश दिए। हाँ, आज जिला परिषद के अधिकारियों और समस्त बीडीए और नरेगा के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी एक समीक्षा बैठक मेरे द्वारा ली गई है। दो दिवस पूर्व मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था नरेगा के कार्यों का, जिसमें अनियमितता भी पाई गई थी और राज्य स्तर से भी निर्देश मिले थे कि नरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको पर्याप्त मजदूरी मिले और 100 दिवस की जो मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाए और उनका टाइमली पेमेंट किया जाए। इससे समस्त जितने भी निर्देश थे मैंने उन सारे नरेगा के अधिकारियों को दे दिया है और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसमें सुधार आ जाएगा और हमारा ज़िला इसमें नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ेगा। और कोई निर्देश दिए क्या उनको? निर्देश दिए हैं निरीक्षण करने के कि आप जो वीडियो हैं और समस्त कर्मचारी ये जा करके पंचायत समिति के सारे कर्मचारी जो भी जिनके भी इंस्पेक्शन के टारगेट्स हैं वो जाके फील्ड में निरीक्षण करें ताकि इसका प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके और उनको टाइमली पेमेंट मिल सके और मजदूरों को जो फॉर्म 6 भरवाना है वो फॉर्म 6 भरवाने के कार्य समय पे हो सके। उनके भी काम कहा है हमने, चारागाह विकास के कार्य उनके लिए उनको निर्देशित किया है और इसके साथ साथ जो कम्युनिटी एसेट्स हैं तालाब वगैरह के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए एक पंचफल का भी हमने एक कार्यक्रम है उसके बारे में भी उनको बताया गया है। ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए युवक ने खाया जहर, होश में आने के बाद बताई सच्चाई। विजयनगर का एक वकील उसे करता था ब्लैकमेल। पीड़ित का भाई एसपी के पास पहुंचा ज्ञापन देने। विजयनगर निवासी पवन कुमार ने गत कुछ दिनों पहले जहर खाके आत्महत्या करने की कोशिश करी। पवन जब होश में आया तो परिजनों ने उससे पूछा कि उसने जहर क्यों खाया। इस पर पवन ने कहा कि विजयनगर का एक वकील महावीर प्रसाद उसकी लाइट बिजली की दुकान पर ग्राहक बनकर आया और पवन को अपने घर आने को कहा। जब पवन वहां पहुंचा तो वहां पर एक महिला मौजूद थी। वकील ने पवन को महिला के पास जाने के लिए मजबूर किया। महावीर ने उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महावीर पवन से कई समय से पैसे अटता रहा, इसलिए पवन ने परेशान आकर जहर खा लिया। परिजन अब पुलिस के पास पहुंचे तो इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इसलिए आज परिजन पुलिस कप्तान के पास कार्रवाई की मांग के लिए पहुंचे। भाई, मेरे भाई ने 28 तारीख को पॉइजन लिया था और जब उसको 30 तारीख को होश आया है
तब उसने बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई, घटनास्थल ब्लैकमेन का बताया कि क्या हुआ, तो पूछा तो उसने बताया कि महावीर प्रसाद वकील जो है वो विजयनगर का ही रहने वाला है, करीबन मेरे को 1.5 साल से उसने ब्लैकमेन करके मेरे से 6 चेक फर्जीवाड़े में लिए हैं और 4 स्टाम्प लिए हैं और उसके साथ में एक सेक्स वीडियो लेडीज़ के साथ में बनाकर उसको डरा धमका कर वो पैसे लेता रहा है। हर महीने 40,000, 50,000, 20,000 जो उसकी डिमांड आती थी वो घर वालों से डर कर उसको मारने की धमकी देता रहा, घर वालों से डर कर वो उसकी मांगे पूरी करता रहा। जब तक उसके पास पैसे आते रहते तो वो देता रहता है, लेकिन जब वो उसने 28 तारीख को पॉइजन लिया और उस 30 तारीख को होश आया तो उसने बताया ये बात है। तो हमने पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन देने गए तो हमारी फर्स्ट कंप्लेन नहीं ली, सेकंड बात जब हम कंप्लेन यहाँ पे तहसीलदार जी को ज्ञापन देने गए नहीं, उसके बाद में मैंने 1 तारीख को रिपोर्ट बयान लेने के लिए JLN हॉस्पिटल के मैंने थानादार साहब आए थे वो लेके गए और उसके बाद में जब हमने FIR कॉपी मांगी पहले तो हमको दी नहीं, जब हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने गए देने के बाद में जब हम वापस FIR कॉपी लेने गए तब वो शाम को दी तो हमने बोला कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जब 24 घंटे हो गए हैं, तो उसने बोला कि जब पीड़ित यहाँ आएगा और उसका बयान लेंगे तभी कार्रवाई चालू करेंगे, क्योंकि बयान तो जब हो चुके हैं तो कम से कम जो मुजरिम है उसको तो अरेस्ट किया जाए भाई, जो पीड़ित है वो तो सामने ही है ना, उसने तो कंप्लेन दे दी है तो कोई उस मुजरिम के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं चल रही है। हम आज यहाँ SP हमारी थानेदार के अंदर गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम कल तहसीलदार के साथ भी गए थे तो हमारी भी, तो फिर आज SP साहब के पास हम आए कि भाई हमारी सुनवाई की जाए और कलेक्टर साहब के साथ में भी आए, कलेक्टर साहब के भी आए कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई हमारी सुनवाई की जाए। और महावीर प्रसाद वकील है और ये एक बहुत बड़ा घेरा चला रखा है, युवती उसको ही मालूम सब, मेरा भाई कहने का मतलब यह है कि दुकानदार है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता है, वो पहले ग्राहक बनकर आया, दूसरी बात उसने बोला कि मेरे को घर पे जो कुछ काम है लाइट फिटिंग का काम कराना तो पवन आना 1 मिनट, उसने बुलाया तब उस अंदर जाने के अंदर आते ही उसने गेट बंद कर दिया, अंदर एक युवती और थी और एक जेंट्स और था, उसके बाद में उसको डराया धमकाया मारपीट कर उसके कपड़े भी खुलवा दिए, खुलवाने के बाद में युवती के कपड़े खोले और उसके साथ में सेक्स रोमन करने के लिए बोला, डर धमकी उसने वीडियो बना ली, वीडियो बनाने के बाद में उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया तो कहने का मतलब फिर 6 चेक और 6 चेक में से 2 चेक जो है 2 चेक मेरी बहन के थे। मेरा नाम नौरतमल चोरडिया है, मैं पवन कुमार का भाई हूँ, मैं SP साहब से और कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करता हूँ कि हमारी कार्रवाई की जो सुनाई है वो जल्द से जल्द की जाए और मुजरिम को गिरफ्त। गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए सिख समाज पहुंचा SP के पास, 13 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व, 6 तारीख को निकलेगा जुलूस। गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व में पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए आज सिख समाज के लोग पुलिस कप्तान राजेश सिंह के पास पहुंचे और आमंत्रित भी किया। सिख समाज ने बताया कि 6 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा जो कि हाथीपाटा से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगा व 13 जनवरी को बख्शिश का कार्यक्रम किया जाएगा। 10वें बीजा साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व जो कि 13 जनवरी को बख्शिश होगा व 6 तारीख को नगर कीर्तन इतवार को हाथीपाटा गुरुद्वारे से निकाला जाएगा, विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा। उस संदर्भ में हम SP साहब को पुलिस व्यवस्था के लिए कहने आए हैं, इन्वाइट कर रहे हैं कि पूरी पुलिस व्यवस्था ढंग से रखी जाए, नगर कीर्तन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा जो अजमेर के मुख्य मार्ग हाथीपाटा केसरगंज गोल चक्कर होते हुए डिग्गी बाजार प्लाजा सिनेमा मैस्टिक सिनेमा नाला बाजार दरगाह होते हुए गंज गुरुद्वारे होकर शाम को 5:30 बजे हाथीपाटा गुरुद्वारे में संपन्न होगा एवं अजमेर की समूह सात संघ से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें व 13 तारीख को मेन दीवान मोनिया स्वामी स्कूल के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक व 13 तारीख का रात का प्रोग्राम हाथीपाटा गुरुद्वारे में 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सजाया जाएगा व संगत से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर 12-13 को गुरु महाराज के पावन प्रकाश गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें और कीर्तन दीवान का आनंद लेवें। 6 तारीख को नगर कीर्तन संडे एतवार को निकाला जाएगा, हमें सब समूह संगत से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर नगर कीर्तन की शोभा बढ़ावें व 13 तारीख को आतिशबाजी करके रात को गुरु महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। नरेंद्र सिंह छाबड़ा, सचिव श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा हाथीपाटा। अजमेर में स्वाइन फ्लू की वजह से हुई एक मौत, ब्यावर का था मृतक। मौसम के बदलने से स्वाइन फ्लू के मरीज अजमेर में भी बढ़ते जा रहे, इस बीमारी से लड़ने के लिए हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है लेकिन ब्यावर का एक निवासी इस बीमारी की वजह से जान गंवा बैठा, हालांकि उसे एक और गंभीर बीमारी भी थी। इस मौत के बाद चिकित्सा विभाग और सतर्क हो चुका है। जो ब्यावर के राजेंद्र परस
सन ऑफ हरपाल सिंह, वो पहले भी किसी और क्रॉनिक बीमारी से भी ग्रसित थे, उसके साथ एचएनएन भी आया। साथ ही हमने सारे चिकित्सा अधिकारी को पुनः अलर्ट कर दिया है और डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए निर्देशित करके आदेश कर दिए गए हैं कि वो डोर टू डोर स्क्रीनिंग के लिए डेली रिपोर्ट्स भेजेंगे। इसके अंदर मेन चीज़ है ये कॉन्टैक्ट से फैलता है, वायरल डिजीज़ है, और इसके अंदर अब जो हम एम्फेसिस करते हैं वो आईसी और पर्सनल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर इसमें हम सावधानी बरतेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अंदर विशेष तौर पर जो हमारे 65 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएँ, 5 साल से छोटे बच्चे या कोई दूसरे क्रॉनिक डिजीज से जो ग्रस्त पेशेंट्स हैं, चाहे वो अपने डायबिटीज़ के हो, हाइपरटेंशन के हो या सीओपीडीज़ के, इनको विशेष ध्यान रखना होता है। और इनको या सभी को हम ये अपील करते हैं कि अगर उनको किसी भी सर्दी बुखार जुकाम के लक्षण अगर हैं तो वो खुद की मेडिकेशन ना करके अपना नीरस चिकित्सालय में जाके चिकित्सक को दिखा के उसके सलाह के अनुसार ही दवा लें, क्योंकि इसके अंदर अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो मोर्टिलिटी और मोर्टिलिटीज़ के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अधिकतर देखा गया, हमने जो भी देश के ऑडिट किए हैं कि पेशेंट काफ़ी डिले इधर उधर दवाइयों लेने के बाद जब वो काफ़ी जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसके बाद वो जेलएन में एडमिट होता है तो उसके अंदर मोर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। शहर के विकास को तरजीह दी जाएगी, कमला दग्धी हुई सभापति पद पर पदासीन। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सत्ता संभालते शहर की नगर परिषद बोर्ड पर अपना दबदबा कायम करने का कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की पहल करते हुए प्रबल समर्थक कमला दग्धी को सभापति पद पर मनोनीत कर सत्ता के प्रभाव को दिखा दिया है। पवन अरोड़ा द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री व पार्षद कमला दग्धी के सभापति मनोनीत के आदेश जारी होने के बाद कांग्रेसियों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। कमला दग्धी को सभापति बनाने में कांग्रेस प्रदेश सचिव, कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच की अहम रोल अदा किया गया। गुरुवार सुबह करीब 12 बजे कमला दग्धी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग सभापति का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए सबसे पहले सभापति की कुर्सी पर कन्या को बिठाया। पदभार ग्रहण करने के बाद मनोनीत सभापति दग्धी ने कहा कि शहर के विकास को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस शासन में स्वीकृत हुई पत्रकार कॉलोनी में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर कर पत्रकारों को राहत दी जाएगी। दग्धी ने कहा कि शहरवासियों की समस्या का समाधान के लिए सदा प्रयासरत रहूंगी। शायद विभाग ने आदेश अनुसार आगामी 60 दिनों तक कमला दग्धी को सभापति पद की जिम्मेदारी दी गई है। ज्ञात रहे कि भाजपा की बबीता चौहान को सभापति और पार्षद पद से निलंबित करने के कारण सभापति का पद रिक्त हो गया था। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के पूर्व थे, अपनी अभी तो विदाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट, PCC अध्यक्ष, हमें सहयोग करके इस पद पर हमने नियुक्त किया। मैं उनका पूरा राजस्थान के सभी और पूरे बिहार का सभी को मैं आभार करती हूँ उसकी तरफ से। आपने सभापति का पद ग्रहण किया है, सर की लिए आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? जैन इत का विकास कराऊंगी, क्षेत्र में शहर का विकास करूंगी, शहर का जो पूरा हमारे मुख्य जी मोरे जो काम अधूरे छोड़े हैं वो काम मैं पूरा करूंगी, आगे बढ़ाऊंगी, उनके उन लोगों का सबका हमारे पार्टी का सहयोग लूंगी, सहयोग से सारा काम करूंगी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।